हेलो फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रही हूँ कलेजी बनाने की रेसिपी। इसे मैं आज अपने तरीके से बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 केजी कलेजी लिया है। यहाँ मैंने 8 से 10 प्याज को काट के रख लिया है और मैंने यहाँ लिया है लाल मिर्च 10 से 12। कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कुकर ले लिया है। मैं इसमें अब डालूँगी तेल। 2 बड़े चम्मच तेल डालूँगी। मैं यहाँ सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। तेल गरम हो चुका है। मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा 1 चम्मच, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा। ज़ीरा अच्छी तरह तेल में पक चुका है। मैं इसमें डालूँगी 10 से 12 लाल मिर्च। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। प्याज को फ्राई करके मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे पीस लूँगी। मैंने इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी को निकाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे पीस लेती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ कुकर की तरफ। प्याज को मैंने निकाल लिया। अब यहाँ थोड़ा तेल बच गया है। मैं इसमें डालूँगी कलेजी। अभी कलेजी को मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी तेल में। इसमें जो मैं इसे कलेजी को मैंने तेल में डाल दिया है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। प्याज जो मैंने फ्राई करके रखा था मैंने उसे पीस कर पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे कलेजी में डाल देती हूँ। पिसा हुआ प्याज का मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मिक्स करके मैं इसे 10 से 15 मिनट पका लेती हूँ। तो चलिए मैं पका कर दिखाती हूँ। कलेजी बनकर तैयार है। मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ती। कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।